प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रदेश के चुनाव में भगवान श्री राम के खिलाफ हिंदुत्व के खिलाफ कांग्रेस का मूल चरित्र उजागर हुआ। प्रदेश में जगह जगह राम मंदिर के पोस्टर से इन्हें दिक्कत है। राम मंदिर के पोस्टर हटाने को लेकर इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस कहती है राम मंदिर सबका है, पर राम मंदिर के पोस्टर से इन्हें क्या दिक्कत है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष ने कहा कि बाबरी मस्जिद में शहीदी हुई, सोनिया भक्त चुनावी राम भक्त बन रहे हैं, ये सब सोनिया के इशारे पर हो रहा है। इस देश में कांग्रेस केवल तुष्टिकरण भ्रष्टाचार की गारंटी है। हिंदुत्व राम और सनातन को लेकर कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। सोनिया गांधी से किया सवाल, कहा राम मंदिर के पोस्टर लगाने पर क्यों हो रहा कष्ट। बेटा वॉइस देखो, प्रदीप चलो आज आवाज तेज करो। ऑडियो क्यों नहीं भाई, आ गया, इतने कम लोग हैं, ऑडियो क्या करेंगे यार। आज इस प्रेस ब्रीफिंग में सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे विषय की चर्चा आज मीडिया के मित्रों के सामने करना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो मूल चरित्र है भगवान श्री राम के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ इनका मूल चरित्र इस मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस का उजागर हुआ है। प्रभु श्री राम मंदिर के जो इस भारत नहीं दुनिया के आस्था का केंद्र है, उसके होल्डिंग लगे हैं, तो इस पर कांग्रेस चुनाव आयोग में जाकर के आपत्ति व्यक्त कर रही है कि राम मंदिर के होल्डिंग लगे, इन होल्डिंग को हटाया जाए। यह कांग्रेस का मूल चरित्र है। कांग्रेस ने किस प्रकार से राम मंदिर पर आक्रमण करने का प्रयास किया है, इनके मन के अंदर पीड़ा क्यों है कांग्रेस के कि राम मंदिर के होर्डिंग क्यों लगे हैं। ये मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता जिनके श्रद्धा और आस्था का केंद्र भगवान श्री राम का मंदिर है, अरे आप भी लगाइए, आपको किसने मना किया है। आपके नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर तो सबका है, हाँ बिल्कुल सबका है, तो आपको राम मंदिर के होर्डिंग लगाने में श्रीमान करप्शन नाथ बंटाढार जी आपको दर्द क्यों है, पीड़ा क्यों है। क्योंकि कांग्रेस को पीड़ा है राम मंदिर के निर्माण से, कांग्रेस को पीड़ा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति, जिनके कारण से आज प्रधानमंत्री की कुशल रणनीति के साथ पूरे भारत के 140 करोड़ जनता ने राम मंदिर की आधारशिला रखी गई और 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का भगवान रामलला विराजमान होंगे। इसका दर्द, इसकी पीड़ा कांग्रेस के उन तुष्टिकरणवादी नेताओं को है। मुझे तो आश्चर्य हुआ कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद में शहीदी हुई। देखिए जरा भाषा, जब सर्वोच्च न्यायालय भारत का ये कह चुका कि राम मंदिर के प्रमाण से लेकर के राम मंदिर है, और उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मीडिया विभाग के कहते हैं कि बाबरी मस्जिद में शहीदी यानी, मैं पूछना चाहता हूं कि सोनिया भक्त चुनावी राम भक्त बन गए थे, अब उनकी असल बाबर भक्ति सामने इस मध्य प्रदेश के अंदर आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।